नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा का चुनाव अपने उत्तरार्ध में पहुंच चुका है। 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं और अब 2 चरणों का मतदान होना बाकी है। बचे हुए 2 चरणों में 6ठे चरण का मतदान 3 मार्च को होगा। विधानसभा का यह 6ठवां चरण काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शलभ मणि त्रिपाठी, सूर्य प्रताप शाही, रामचल राजभर, लालजी वर्मा और स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कई अन्य राजनीतिक दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। बता दें कि 6ठे चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 57 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं अगर बात किया जाए गोरखपुर विधानसभा की, तो यह भी कई मामलों में खास है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद वहां से चुनावी मैदान में है और कई दिग्गज इस चरण में चुनावी मैदान में है। 5वें चरण तक का चुनाव उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है। इसी के और आपको बताते चले कि लगातार हम आपको चुनावी कब्रिस्त दिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से चुनाव हो रहे हैं, क्या कुछ कमियां आ रही है, किसकी तरफ से क्या कुछ ढिलाई बरती जा रही है, कुछ चाहे बात हो प्रशासन की हो, चाहे बात किसी पॉलिटिशियन की हो, किसकी तरफ से क्या कुछ गड़बड़ी की जा रही है, हम लगातार आप तक सारी खबरें पहुँचाते रहे 5वें चरण तक। वही अब 6ठे चरण का चुनाव होना है। इसी क्रम में हमारे संवाददाता और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बस्ती से, और वहीं देवरिया से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों जगहों पर 6ठे चरण में चुनाव है। रवि, क्या कुछ अभी जानकारी है वहां से और क्या कुछ तैयारियां चल रही है क्योंकि चुनाव प्रचार प्रसार थम चुका है? और आज अपने वहां हैं और कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं। देवरिया में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी सक्रिय प्रशासन को देखने को मिल रहा है। प्रशासन भी काफी मुस्तैद है और पल पल का जायजा ले रही है बूथों पर। और आपको बता दें कि देवरिया जनपद में 4 प्रत्याशी हैं। शलभ मणि त्रिपाठी भाजपा से हैं, कांग्रेस से पुरुषोत्तम मणि त्रिपाठी हैं और बसपा से रामशरण सिंह सतवार हैं और कांग्रेस से पुरुषोत्तम नारायण सिंह है। ये 4 प्रत्याशी अखाड़े में खड़े हैं और देखना यह दिलचस्प होगा कि कल 3 तारीख को वोटिंग पड़ेगी और लोग अपने मतों का प्रयोग करेंगे और 10 तारीख को रिजल्ट आएगी कि किसके स्तर पर ताज चढ़ेगा। जी, हमारे सुनता बस्ती से हमारे साथ जुड़े हैं रजनीश। अगर बात की जाए बस्ती की, तो क्या कुछ तैयारियां है क्योंकि चुनावी प्रचार प्रसार थम चुका है, कल चुनाव होना है 7 बजे से, क्या कुछ तैयारियां है चुनाव को लेकर? और बस्ती में 5 विधानसभा है और 5 विधानसभा सीट से लगभग कुल 54 प्रत्याशी जो है अपना दमखम आजमा रहा है। अब देखने वाली बात होगी, कल तो मतदान होना ही है। और इस बीच अगर देखा जाए 2017 की अगर हम बात करें, तो 2017 में यहाँ पूरी तरीके से जो है बीजेपी ने अपना परचम लहराया था और सभी पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया था। वही अगर आपकी हम बात करें तो यहाँ के जो दिग्गज नेता है, जैसे ले लीजिए बसपा में पहले थे राम प्रसाद चौधरी जी, अब वो सपा में शामिल हो चुके हैं। वहीं अगर बात करें हम राजकिशोर सिंह की, तो वो पहले सपा में थे, अब बसपा में शामिल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं बस्ती की जो लड़ाई है बहुत ही दिलचस्प नजर आ रही है। जी, हम आपके पास थोड़ी देर में वापस लौटेंगे रजेश। रवि, शलभ मणि त्रिपाठी खुद वहां से देवरिया से चुनावी मैदान में है, कितना प्रभाव देखने को मिला शलभ मणि त्रिपाठी का, क्योंकि शलभ मणि त्रिपाठी एक पत्रकार भी रहे हैं और है भी, और उसके बाद वो मीडिया सेल भी बहुत दिनों तक देखे भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनपे भरोसा जताया और उनको टिकट दिया, तो ऐसे में कितनी मजबूत प्रत्याशी के रूप में सामने आएंगे देवरिया से? जैसा की आपको बता दे की शलभ मणि त्रिपाठी सीएम के सूचना सलाहकार भी हैं और देवरिया से भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं और जनता में खड़े उतरे हैं। और जनता यहाँ के कुछ नतीजे यह सामने आ रहे हैं कि कुछ अफवाहें भी उड़ रही हैं कि शलभ मणि त्रिपाठी बाहरी प्रत्याशी हैं और हम बाहरी प्रत्याशी के वजह से थोड़ा सा जनता यहाँ निराश दिख रही है। और यहाँ से सपा प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह, पिंटू सिंह जो पूर्व विधायक जन्मेजय सिंह के लड़के हैं, वो भी मैदान के अखाड़े में खड़े हैं और लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क बनाए रखे हैं। जी, अगर बात किया जाए देवरिया की, तो देवरिया के मुद्दे क्या है इस बार के? रवि, देवरिया की जनता किन मुद्दों को ध्यान में रख के कल 7 बजे मतदान केंद्रों पर जाएगी? देवरिया की अहम मुद्दे बेरोजगारी है, बेरोजगारी पे ही यहाँ के मुद्दे बनाए गए हैं। यहाँ सभी प्रत्याशी बेरोजगारी पे अपनी वो नाराजगी दिखा रहे हैं और यहाँ चीनी मिल जो काफी वर्षों से बंद है, वो चीनी मिलों को भी लोग बता रहे हैं, चीनी मिल का भी मुद्दा यहाँ लोग बता रहे हैं, यहाँ चीनी मिल काफी वर्षों से बंद है। जी रजनीश, देवरिया के क्या कुछ चुनावी मुद्दे है, देवरिया की जनता कौन सा मुद्दा दिमाग में रख के कल मतदान केंद्रों पर पहुँचने वाली है? रजनीश,
रजनीश, देवरिया की जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं? देवरिया की जनता, बस्ती की जनता, माफ करिएगा, बस्ती की जनता कौन से मुद्दे दिमाग में रख के कल मतदान केंद्रों पर पहुंचेगी? देखिए, साफ तौर पर बस्ती की जनता जो है, आपकी बात, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं और जिनके जो है बस्ती की जनता मतदान करेगी। वही अगर यहाँ हम जो वर्तमान में बीजेपी की जो पांचों विधानसभा से विधायक रहे हैं, वो अपने विकास कार्यों के दम पर पुनः एक बार फिर अपना परचम लहराने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा भरोसा जता रहे हैं। लेकिन अगर बात करें जो सबसे बड़ा मुद्दा बस्ती का है, चीनी मिल, यहाँ की चीनी मिल अभी भी अगर पूरी तरीके से चालू हो जाए तो यहाँ बेरोजगारी काफी हद तक दूर हो जाएगी। जी जी, तो कहीं ना कहीं बस्ती में भी बेरोजगारी एक मुद्दा है। इस बीच में बस्ती से स्वास्थ्य विभाग को लेकर, स्वास्थ्य महकमे को भी लेकर के कई शिकायतें लोगों के सामने आई थी, चाहे एम्बुलेंस वाला कांड हो, चाहे वो फर्जी हॉस्पिटल के कांड हो। तो जनता स्वास्थ्य के मुद्दों को कितना दिमाग में रखने वाली है बस्ती की? देखिए, अगर हम बात करें स्वास्थ्य के मुद्दों की, तो यहाँ का जो है स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लचर रवैया अपनाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तमाम ऐसे जो है स्वास्थ्य सेंटर हैं, क्लिनिक हैं, जो आज तक भी जो है एक सेटिंग के जरिए थ्रू चल रहा है, लेकिन उससे भी स्वास्थ्य महकमा कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है, ना जिला प्रशासन उससे केयर करता है। अगर हम बात करें अस्पतालों की, तो यहाँ जो है काफी हद तक सुधार तो आपकी बार आया है, लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि आने वाली सरकार में क्या इससे और बेहतर व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था लोगों को मिल पाती है या नहीं। रजनीश, बस्ती की महिला वोटरों का क्या कुछ इरादा दिख रहा है? किन मुद्दों पर बस्ती की महिला वोटरें मतदान केंद्र पर जाएंगी और क्या कुछ अलग मांग है वहाँ की महिला वोटरों का? साफ तौर पर देखा जाता है महिला सुरक्षा को लेकर महिलाएं काफी अग्रसित आती हैं, और बस्ती की अगर बात करें तो यहाँ ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है महिलाओं के प्रति, जिसमें जो है अभी ठोस कार्रवाई नहीं की गई, कहीं कहीं हिला हवाली होती है, लेकिन कहीं कहीं अब की बार बस्ती की महिलाएं साफ तौर पर मन बना चुकी हैं कि उसी को ही मतदान करेंगी जो उनके जो है सुरक्षा की व्यवस्था है अग्रसर होगा। जी बिल्कुल, हम देवरिया फिर से देवरिया के बारे में थोड़ा और जायजा लेंगे, और कुछ जानेंगे हम देवरिया की महिलाओं के बारे में, जानेंगे कि वहाँ की महिलाओं का क्या कुछ मुद्दा है इस बार का। बता दें कि महिलाएं भी यहाँ जागरूक हो चुकी हैं, लोग के मन में क्या चल रहा है ये यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पथरदेवा विधानसभा में दो दो मंत्री प्रत्याशी बने हैं, एक सपा से ब्रह्मा संगत त्रिपाठी हैं जो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, गार्ड मंत्री रह चुके हैं, और देवरिया शिव प्रताप शाही भी कैबिनेट मंत्री हैं, और वहाँ त्रिकोणी लड़ाई माना जा रहा है, जो साकिर अली के पुत्र जो मंत्री रह चुके हैं उनके पुत्र परवेज आलम भी अखाड़े में खड़े हैं, और कांग्रेस की प्रत्याशी अंबर जहां भी एक तरफ चुनावी अखाड़े में खड़ी है। जी, अगर बात की जाए पथरदेवा विधानसभा की, तो वहाँ पे दोनों जो प्रत्याशी हैं वो काफी मजे हुए माने जाते हैं, राजनेता माने जाते हैं, तो क्या कुछ उनके दाव पेच है इस बार रबी, किस तरह से वो जनता को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव प्रचार भी बंद हो चुका है और कल सुबह 7 बजे से मतदान है। अभी तक तो जनता को लुभाने के लिए प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क करते रहे, रैलियां करते रहे, और जनता अब देखना होगा कि कल 3 तारीख को मतदान पड़ेगी और जनता किसको अपना वो बनाती है और जनता किसको चुनती है, ये तो 10 तारीख को रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ देवरिया सदर के जो प्रत्याशी हैं सल्लभमयी त्रिपाठी और कांग्रेस की प्रत्याशी पुरुषोत्तम नारायण सिंह और सपा के अजय प्रताप सिंह, ये सभी लोग अखाड़े में नियंत्रण लड़ रहे थे, जनसंपर्क साध रहे थे। अब यहाँ की जनता उनको चुनेगी, 3 तारीख को अपने मतों का प्रयोग करेगी और 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद पता चलेगा किसके सर पर ताज रहेगा। जी बिल्कुल रवि, मतलब की देवरिया में भी जो लड़ाई है वो कांटे की लड़ाई है, जो टक्कर है वो कांटे की होनी है, क्योंकि सभी दिग्गज देखा जाए तो कैबिनेट से लेकर सूचना तक के दिग्गज इस वक्त देवरिया से चुनावी मैदान में है, और देवरिया का मुद्दा भी खासा अहम देखा जा रहा है, जो बेरोजगार का मुद्दा है, क्योंकि गोरखपुर शहर से सटा हुआ है देवरिया। तो क्या कुछ गुस्सा इस बार देखने को मिल रहा है युवाओं में, क्योंकि युवा भी एक अहम वोटर है, रीढ़ की हड्डी कही जाती है युवा। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव का आगमन हुआ था देवरिया में, और युवाएं अपना नंबर प्लेट लगाकर बेरोजगारी और नौकरी के लिए मांग कर रहे थे। यहाँ आप मतलब खास तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ युवाएं नौकरी के लिए उत्साहित हैं। जी रजनीश, अब अगर बस्ती की बात करें तो बस्ती में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं कर ली गई है, क्योंकि कल सुबह 7 बजे से मतदान है। देखिए, हम पिता जी आपको बता दें कि बस्ती में जो है कुल मतदेय स्थल 2470 बनाया गया, जिसमें 1500 ज्यादा जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अगर जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम की बात करें तो यहाँ 88 कंपनियां ऐसी हैं जो अर्धसैनिक बल की यहाँ तैनाती की गई है, स्टेटिक मजिस्ट्रेट और जो है ऑब्जर्वर
समेत तमाम ऐसी टीम को यहाँ गठित करके विधानसभा वार बूथ वार यहाँ पूरी तैयारी जिला प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम कर लिया गया है। जी रवि रजनीश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, आप लोग बिल्कुल अपनी नजर बनाए रखिए कल क्या कुछ होता है, कैसे मतदान होता है, हम आपसे जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता बस्ती और देवरिया से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि बस्ती और देवरिया के क्या कुछ मुद्दे हैं। कल सुबह 7 बजे से चुनाव होने और देवरिया में भी लगातार कई दिग्गज चुनावी मैदान में, बात सलमणि त्रिपाठी की करें, सूर्य प्रताप शाही की करें या फिर वही पत्थर देवा से सपा के मंत्री भी चुनावी मैदान में, उनकी बात करें काफी पुराने मंत्री हैं और मजे हुए हैं, तो देखना यह होगा कि कौन अपनी साख को बचा पाएगा देवरिया में। और देवरिया में अगर बात की जाए बेरोजगारी की मुद्दे की, तो बेरोजगारी का मुद्दा काफी अहम है और देवरिया गोरखपुर शहर से सटा हुआ है, मुख्यमंत्री की शहर से सटा हुआ है, ऐसे में देखना यह होगा कि कितना कुछ अफेक्ट भारतीय जनता पार्टी का देवरिया में पड़ता है। वहीं सलमणि त्रिपाठी वहां से चुनावी मैदान में है और सलमणि त्रिपाठी को कहीं ना कहीं एक बाहरी प्रत्याशी के रूप में भी देखा जा रहा है। इन सब चीजों के बीच में, इन सब बातों के बीच में, इतनी सारी मुद्दों के बीच में देखना यह है कि कौन सा दिग्गज वहां पर अपनी कितनी पैठ बना पाएगा, जनता किसको चुनेगी और किसको अपने विकास का मौका देगी, अगले 5 सालों तक किसको चुनकर जनता लखनऊ विधानसभा भेजेगी, ये सारी बातें 10 तारीख को ही पता चलेंगी। फिलहाल कल 6ठे चरण का चुनाव है, सुबह 7 बजे से चुनाव कल शुरू हो जाएगा, कल शाम 6 बजे के बाद से चुनावी प्रचार प्रसार, चुनावी शोर थम चुका है। वहीं सभी कई बड़े दिग्गज सभी पार्टियों के, चाहे बात भारतीय जनता पार्टी की जाए, समाजवादी पार्टी की जाए या बसपा की जाए, चाहे फिर कांग्रेस की बात की जाए, सभी दिग्गज पहुंचे हैं, सबने अपने दमखम दिखाए हैं। अब देखना यह होगा कि जनता किनके कामों से खुश होती है और किसको अपना प्रतिनिधि चुनती है अगले 5 सालों के विकास के लिए। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा का चुनाव अपने उच्चार्थ में पहुंच चुका है, 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं। वहीं अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश में 7 चरण के मतदान की, तो अभी तक 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 6ठे चरण का चुनाव कल है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पहली बार अगर देखा जाए तो कोई एक मुद्दा अहम नहीं रहा है, किसी चरण में कोई मुद्दा रहा है तो किसी अन्य चरण में कोई मुद्दा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बात किया जो किसानों और पलायन का मुद्दा रहा है, वहीं खुला जानवरों का, राम मंदिर का, विकास का, रोजगार का, कई मुद्दे इस 2022 के चुनाव में अहम रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पूरी अपनी दमखम चुनावी मैदान में लगा दी है। वहीं अगर बात किया जाए बसपा सुप्रीमो मायावती की, तो कुछ दिनों तक मायावती एक्टिव नहीं थी, थोड़े दिनों बाद ही वो एक्टिव हुई और चुनावी मैदान में उन्होंने अपना दमखम दिखाया। इसके पहले उनके लिए ये कहा जा रहा था कि सतीश चंद ही चुनावी मोर्चा संभाल रहे हैं, वहीं जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 6ठे चरण का चुनाव कल होना है, मातब 2 चरणों का चुनाव बचा हुआ है, 5 चरणों का चुनाव हो चुका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा कुल 7 चरणों में होना था, विधानसभा चुनाव का 6ठा चरण काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सलमणि त्रिपाठी, सूर्य प्रताप शाही खुद चुनावी मैदान में है, रामचल राजभर, लालजी वर्मा और स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कई अन्य राजनीतिक दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर है। बता दें कि 6ठे चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 57 सीटों पर के लिए वोट डाले जाएंगे और कई मामलों में इस चरण का चुनाव अहम होगा क्योंकि इस चरण में चुनाव गोरखपुर में भी है। तो वहीं अगर बात की जाए गोरखपुर की, तो गोरखपुर में अगर खुद मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में है, वहीं कई कवायदे भी लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कभी मथुरा की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, अयोध्या की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने आखिरी में यह ऐलान किया कि वह गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। और इस खबर पर अधिक जानने के लिए संवाददाता हमारे गोरखपुर से हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहीं अमित बलरामपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर बात गोरखपुर की जाए, हिमांशु गोरखपुर में क्या कुछ तैयारियां हैं, मुख्यमंत्री खुद चुनावी मैदान में है तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? देखिए कुछ ही देर में पोलिंग बूथ रवाना हो जाएगा क्योंकि कल ही यहाँ पे मतदान होना है। ऐसे में देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ की वजह से ये काफी हॉट सीट रही है। यहाँ पे सभी मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपना अपना जोर आजमाइश। वैसे में देखना होगा कि गोरखपुर में चूंकि 50,000 के करीब जो है मुस्लिम वोट है और 25,000 निषाद वोट है
और 35,000 आपका ब्राह्मण वोट है, ऐसे में देखना होगा, और 95,000 टैक्स वोट है, तो देखना होगा कि कितना पार्टियां जो है, जितनी भी अन्य पार्टियां हैं, पीएम योगी को काट पाती हैं, अपना वोट बैंक बना पाती हैं जातिगत बलरामपुर से भी। अभी हिमांशु, हम थोड़ी देर पे आपके पास लौटेंगे, हमारे संवाददाता बलरामपुर से भी हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कुछ तैयारियां है वहां पर बलरामपुर में अमित चुनाव को लेकर के? जी मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, ये बलरामपुर जनपद ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक गृह जनपद है और उनका लगाव हमेशा इससे रहा है। यहाँ छठवें चरण का चुनाव कल होने वाला है और सभी पार्टियां अपने अपने जो बूथ पर जा रही हैं, रवाना हो चुकी हैं, और यहाँ पर सभी प्रत्याशी जोर कम लगाए हुए थे, कल से प्रचार प्रसार थम गया है। और क्योंकि बलरामपुर जनपद ही बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पर है, बसा हुआ है, और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद यहाँ है, जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था है और कड़ी व्यवस्था की गई है यहाँ चुनाव करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ सभी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत पुराने पुराने दिग्गज नेता भी हैं। और सबसे अहम बात यह है कि हमारा तुलसीपुर एक विधानसभा पड़ता है जो वहाँ के जो जेबा रिजवान जी वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, वो जेल से बंद होकर लड़ रही हैं, वहाँ का और भी दिलचस्प चुनाव होने वाला है। और यहाँ चार विधानसभा है जो सभी प्रत्याशी अपने जो लगाए हुए हैं और अपने किस्मत आजमा रहे हैं, जो अब कल वोट करेंगे, जो मतदान करेंगे, उसमें किस्मत देखने वाली है किसे वोट करते हैं और किसकी सरकार बनाते हैं, किसे विधायक बनाती है यहाँ। जी अमित, बलरामपुर की जनता का मुद्दा क्या है इस बार? बलरामपुर की जनता बलरामपुर में क्या कुछ बदलाव चाहती है और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर कल मतदान केंद्रों पर पहुंचेगी? ये साफ तौर है यहाँ की जनता, उनका मुद्दा ये है कि शिक्षा और व्यवस्था, सड़क रोड जैसे तमाम ये मुद्दा है किसानों की है, और सबसे किसानों का यह मुद्दा रहा है कि जो कुछ छुट्टा जानवर से परेशान है, लोग मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगी यहाँ की जनता। जी बिल्कुल अमित। हिमांशु, अगर हम बात करें तो कई ऐसे मुद्दे सामने आए हैं गोरखपुर से भी, गोरखपुर में भी एक तरह से कहा जा रहा है कि वो गढ़ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि 5 बार से लगातार वहां वो सांसद रहे हैं, लेकिन क्या गोरखपुर की जनता के दिमाग में कुछ बदलाव है इस बार? क्या गोरखपुर की जनता कुछ बदलाव चाहती है या फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही, या फिर बदलाव का कुछ इरादा है गोरखपुर की जनता का? नहीं, ये तो आपको बता दें कि पीएम योगी ने अपनी रैली में स्पष्ट कर दिया था कि कोई बदलाव का मुद्दा है ही नहीं जनता के मन में, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं खुद वहां से रिपोर्टिंग किया हूं, इसलिए हम देखे थे कि आम जनता भी वहां पे खड़ी थी और पूरी तरह से योगी के सपोर्ट में। और यहाँ सबसे बड़ा बात है कि राम मुद्दा, राम मंदिर का सबसे जोर पे है। जी अगर देखा जाए तो मठ खुद में अपने में एक पैठ रखता है गोरखपुर मठ। अब वहाँ के अन्य प्रत्याशियों की एक बार बात करना चाहेंगे, और अन्य कौन कौन से प्रत्याशी मजबूत नजर आ रहे हैं और किसको जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है? और सबसे अहम बात हिमांशु, विकास तो गोरखपुर का हुआ है, और क्या कुछ विकास ग्रामीण की जनता चाहती है गोरखपुर में? देखिए गोरखपुर में विकास तो हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि गोरखपुर सदर की आप बात करें तो यहाँ से चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण भी है, इसके अलावा सुभावती शुक्ला सपा से है, इन दोनों ही प्रत्याशी अपने में दम लगाए हुए, पूरी इनकी पार्टी भी पूरा दम लगा दी है, और लेकिन फिर भी सीएम योगी को टक्कर दे पाना कहीं दूर दूर तक दिखता ही नहीं है कि यहाँ पे। और रही बात ग्रामीण क्षेत्र में, तो ग्रामीण क्षेत्र में मुद्दा है क्योंकि वहाँ पे विधायक रहे विपिन सिंह, और जो की इस बार भी विधायक प्रत्याशी है भाजपा से, और उनके विपक्ष में विजय बहादुर उतरे हुए हैं, जो कि विजय बहादुर की बात करें तो वो टक्कर देते नजर आए क्योंकि उन्होंने पिछले 5 वर्ष में जनता के बीच में रहे हैं। जी हिमांशु, ग्रामीण की जनता के विकास के मुद्दे बहुत है, सबसे ज्यादा बाढ़ का मुद्दा ग्रामीण में है अगर बात किया जाए, और वही अगर कैंपियरगंज विधानसभा की बात की जाए तो उधर भी काफी, अगर जंगल कौड़िया की बात की जाए उससे सटे हुए कई ऐसे जगह है जहाँ पर बेहद अहम मुद्दा बाढ़ का है, जब बाढ़ आता है तो लोगों को आने जाने में खासा दिक्कत होती है, तो जनता बाढ़ के मुद्दों को कितना दिमाग में रखेगी इस बार कैंपियरगंज की और ग्रामीण की भी? देखिए कैंपियरगंज की बात किया जाए तो कैंपियरगंज में बाढ़ का, क्योंकि वहाँ पे बांध बना करके पूरी तरह से उसको रोकने की कोशिश की गई है, तो इस वजह से वहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं, क्योंकि फतेह बहादुर सिंह वहाँ से प्रत्याशी है भाजपा के और काजल निषाद सपा से है उनके विपक्ष में, लेकिन टक्कर देखना है, टक्कर तो जोरों की है इस बार, लेकिन सीट निकाल पाने की बात है तो वहाँ की जनता, क्योंकि फतेह बहादुर सिंह को बहुत पसंद करती है, क्योंकि उनके लिए तैयार किया गया है यहाँ पे
स्पोर्ट्स कॉलेज भी खोला गया है उनके फतेह बहादुर जी के पिता वीर बहादुर जी के नाम से, और वहीं पे एक संग्रहालय भी खोला गया है। इसलिए काफी कार्य हुआ है, वहाँ की जनता पसंद कर रही है। जी हिमांशु, ये तो अब 10 तारीख को ही पता चलेगा कि जनता किसको समर्थन देंगी। हमारे संवाददाता बलरामपुर से अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, कौन कौन से मजबूत प्रत्याशी बलरामपुर में नजर आ रहे हैं और किसकी पैठ मानी जा रही है, और किन्होंने जनता के लिए काम किया है, जिनको जनता वाकई में पसंद कर रही है कामों के लिए, क्योंकि अब जनता विकास के मुद्दों पर ही आगे बढ़ रही है। मजबूती है यहाँ के जो राज्य मंत्री पलटू राम रहे हैं और ये विधायक भी रहे हैं बलरामपुर से, इन्होंने क्षेत्र में अपने बहुत ही काम किया है। इसे जो पूर्व में लड़ रहे हैं 2012 से 17 तक के विधायक रहे हैं जगराम पासवान, जो उन्हें 2017 के बाद उन्हें टिकट नहीं मिला, गठबंधन की प्रत्याशी को टिकट दिया गया था, जो वो पलटू राम को हरा के विजयी हुए थे। लेकिन यहाँ पे पलटू राम ने जो क्षेत्र में विकास किया उनसे जनता बहुत ही खुश है, क्योंकि उन्होंने यहाँ जैसे बात की जाए शिक्षा की बात की जाए या रोड की बात की जाए या अस्पताल की बात की जाए, तो उन्होंने इस मुद्दों पे काम किया है और इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में वो लगातार जा रहे हैं और जनता का उन्हें प्यार मिल रहा है। और बात की जाए तुलसीपुर विधानसभा की, तो जेल से निर्दलीय प्रत्याशी है जेबा रिजवान जी हैं, वो जेल से चुनाव लड़ रही हैं। उनके पिता जो रिजवान जहीर हैं वो भी जेल में हैं, 3 बार विधायक 2 बार सांसद रह चुके हैं, तो उनके पिता और निर्दलीय प्रत्याशी वो लोग जेल से हैं, जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। और बात की जाए उतरौला की, तो उतरौला में वहाँ पे कांग्रेस धीरू सिंह लड़ रहे हैं, वहाँ के हसीब खान जी लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें अहम है वहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है। लेकिन बात यहाँ विधानसभा सदर की जाए तो यहाँ लड़ाई सिर्फ सीधा दिख रहा है, पलटू राम जी जो क्षेत्र में है उन्हें जनता प्यार और अपना आशीर्वाद दे रही है। कल 3 मार्च है, अब देखना है जनता किस तरह से उन्हें प्यार और अपना दुलार जो करके रखी थी किस तरह से उनको अपना आशीर्वाद दे रही है, और 10 मार्च को देखने वाली बात बनेगी कौन विधायक बन रहा है और किसकी सरकार बन रही है। जी बिल्कुल, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि जनता ने किसको अपना प्यार दिया है, जनता किसको अगले 5 सालों तक मौका देगी अपने विकास करने का। आप लोग बिल्कुल नजर बनाए रखिए, क्योंकि कल सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे गोरखपुर और बलरामपुर से, तो वही गोरखपुर बलरामपुर भी सीट कई अहम सीटों में से माना जाता है। जिस तरह से बलरामपुर से कई दो प्रत्याशी जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं, वही गोरखपुर भी इस बार अहम सीट है, क्योंकि मुख्यमंत्री वहां से चुनावी मैदान में। वहीं अगर बात की जाए और विधानसभाओं की, तो ग्रामीण और कैंपियरगंज विधानसभा भी इस बार हॉट सीट बना हुआ है। कैंपियरगंज विधानसभा में जहां फतेह बहादुर सिंह चुनावी मैदान में, वहीं समाजवादी पार्टी से उनके ऑपोजिट में काजल निषाद खड़ी हैं। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को यह लगा था कि काजल निषाद एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में साबित होंगी। अब देखना यह है कि जनता किसको अपना प्यार देती है। वहीं अगर बात कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र की जाए, तो कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र में सबसे अहम मुद्दा बाढ़ का रहा है, क्योंकि वहां पे कई ऐसे एरिए सटे हुए हैं। बात अगर कौड़िया की करें, बात अगर मानीराम की करें, तो कई ऐसी जगहें हैं जहां पर बाढ़ का मुद्दा अहम रहा है। बाढ़ आने से ये एरिया में काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आने जाने में परेशानियां होती हैं। तो अब देखना यह है कि जनता कितने मुद्दों को अपने दिमाग में रखती है। बात अगर विजय बहादुर की जाए, तो पिछले 5 साल वो चुनाव नहीं लड़े थे, 5 साल के बाद वो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर वो समाजवादी में शामिल हुए हैं, तो अब देखना यह होगा कि कितना अपना दमखम वो दिखा पाते हैं और जनता किसको अपना प्यार दिखाती है। 10 मार्च को जनता किसकी किस्मत का फैसला करेगी। तो वहीं कई अहम मुद्दे सामने हैं। बात अगर पिपराइच विधानसभा क्षेत्र की जाए गोरखपुर के, तो वहीं स्वर्गीय जमुना निषाद के लड़के अमरिंदर निषाद चुनावी मैदान में हैं, वहीं उनकी माँ भी खासा सपोर्ट कर रही हैं उनका। तो कई सीट अहम है गोरखपुर में भी, बलरामपुर में भी ऐसे कई प्रत्याशी हैं, वहाँ से खुद मंत्री चुनावी मैदान में हैं और जेल से भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि जनता किसको संपत्ति दिखाती है, जेल में रहें या फिर जो जनता के बीच जाकर विकास कार्य कर रहे हैं। छठे चरण का चुनाव कई मायनों में भी अहम है, कई मुद्दे भी अलग है वहां पर। वहीं अगर देवरिया की बात की जाए, तो हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां पर बेरोजगारी का मुद्दा अहम है और शलभ मणि त्रिपाठी खुद वहां से चुनाव मैदान में है। वहीं सूर्य प्रताप शाही की बात करें, तो वो भी देवरिया से ही चुनावी मैदान में है। और अहम बात सबसे ज्यादा ये होगी कि जनता अगर इन पर विश्वास दिखा भी देती है, तो ये लोग कितना देवरिया के युवाओं को रोजगार देने में सफल होंगे। ये सब तो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि जनता किसको चुन रही है, किसको अपना
नेता चुनेगी। वही स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी जब भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए थे तो काफी कवायदे लगाई गई थी उनको लेकर। वही उनकी बेटी की बात की जाए संगमित्रा मौर्य की तो संगमित्रा मौर्य अभी भी भारतीय जनता पार्टी में है। हालांकि अभी जल्दी स्वामी प्रसाद मौर्य पर कुछ घटना का भी सामने आया है कि कुछ लोगों ने उन पे हमला किया गया था जिसके बाद उनकी बेटी संगमित्रा मौर्य का भी बयान सामने आया जिसमें डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए दिख रही हैं। वही लगातार हम आपको चुनावी अपडेट्स दे रहे हैं। कल चुनाव है, सुबह 7 बजे से चुनाव होना है। हमारे संवाददाता अंबेडकर नगर से राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंबेडकर नगर में राहुल, क्या कुछ तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? में यहाँ पर अंबेडकर नगर में यानी कि 3 मार्च को चुनाव होना है और जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से अपना कमर कस लिया है। जगह जगह बूथों पर पीएससी बल और सीआरपीएफ के जवान को आज ही से भेजना शुरू कर दिया गया है। आज सभी बूथों पर पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। जी अंबेडकर नगर से कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में है राहुल? अगर हम कटहरी विधानसभा की बात कर ले तो यहाँ से समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा है और बसपा से प्रतीक पांडे हैं और बीजेपी से अवधेश द्विवेदी हैं। जी और अगर टांडा की बात कर ले तो टांडा विधानसभा की तो वहां से बसपा से कुल है और बीजेपी से जी बिल्कुल कपिल देव वर्मा है। जी बिल्कुल राहुल, कई जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां चुनावी प्रचार प्रसार के लिए गए थे, सतीश चंद्र द्विवेदी भी काफी एक्टिव है, तो कौन सी पार्टी अपना ज्यादा इफेक्ट डाल पा रही है और इन दिग्गजों के चुनावी रैलियों का क्या कुछ असर पड़ा है अम्बेडकर नगर की जनता पर? अगर हम बात कर ले चुनावी जनसभा की, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सपा इस जनपद में सबसे ज्यादा भारी पड़ रहा है और सपा और बसपा में ही टक्कर मानी जा रही, क्योंकि अंबेडकर नगर जो है बसपा का कहीं ना कहीं गढ़ माना जाता था और यहाँ पर सबसे ज्यादा बसपा का ही सीट पिछले भी विधानसभा चुनाव में 2017 में निकला था। जी तो क्या भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ पैड देखने को मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं फैजाबाद अंबेडकर नगर अयोध्या से सटा हुआ माना जाता है। जी कटेरी विधानसभा में त्रिकोणीय लड़ाई है, यहाँ पर बीजेपी की टक्कर है और अन्य जो 4 विधानसभा हैं वहां पर कुछ ज्यादा कुछ चुनावी जनता का मूड देखने को नहीं मिल पा रहा है। सपा और बसपा की टक्कर है, कटेरी में त्रिकोणीय लड़ाई है, यहाँ से बीजेपी से अवधेश द्विवेदी उम्मीदवार हैं, यहाँ से उनका अच्छा लोकप्रिय नेता है, उनका चुनावी टक्कर माना जा रहा है। अंबेडकर नगर की जनता का इस बार क्या मुद्दा है, जनता क्या कुछ चाहती है कि अगर वो सरकार बनाती है तो क्या कुछ विकास उनके नेता उनके लिए करें, क्या कुछ कमियां हैं अंबेडकर नगर की जनता में, क्या कुछ विकास चाहती है अंबेडकर नगर की जनता? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां पर सबसे ज्यादा खराब सड़कें हैं जिसको लेकर आम जनमानस बहुत ही नाराज है। 5 सालों में उस सड़क का कोई भी मरम्मत नहीं हो पाया है, टूटी फूटी सड़कें हैं, आवागमन से आम जनमानस त्रस्त है। सबसे पहला तो मुद्दा यह है। दूसरा किसानों को आवारा छुट्टा जो पशु है उससे किसान बहुत परेशान है और बेरोजगारी का भी सबसे बड़ा मुद्दा है। जी बेरोजगारी, अगर बात सड़कों की जाए तो जनता में कितना आक्रोश देखने को मिल रहा है राहुल सड़कों को लेकर, और क्या जनता अभी तक जो प्रतिनिधि है वो लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के पास तक जा रहे हैं, जनता ने क्या कुछ उनसे मांग किया है? अगर जनता की मांगों को देखें तो रोड के लिए बहुत बार एप्लीकेशन जिला प्रशासन और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जो रह चुके थे लालजी वर्मा को भी जानकारी दिया गया था, लेकिन अभी तक उस पर उस सड़क पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, टूटी फूटी वैसे ही हालत अभी भी है। और अगर विकास की बात करें तो जनता की मांग यही है कि रोड जो है, और दूसरी बात यह है कि आवारा पशुओं को लेकर बहुत परेशान है किसान। जी वहाँ की महिला वोटर्स की अगर बात करें राहुल अंबेडकर नगर की महिला वोटर्स, तो महिलाओं का क्या कुछ मुद्दा है, महिलाएं क्या कुछ चाहती है कि उनके लिए व्यवस्थाएं की जाए, अगर सरकार बने तो उनके लिए क्या कुछ योजनाएं लाए महिलाओं के लिए? महिलाओं की अगर बात करें तो वो ज्यादातर यहाँ पर जो आवास से मतलब
आवास आवास कॉलोनी से वंचित है वो ज्यादातर इस पर जोर डाल रहे हैं, क्योंकि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के चलते और दबंग ग्राम प्रधान के चलते आवास नहीं मिल पाता, शौचालय नहीं मिल पाता है, बंदरबांट हो जाता है, इन सब चीजों को लेकर वो ज्यादा अपने प्रतिनिधियों से मांग करती हैं। मतलब कि अंबेडकर नगर की जनता को योजनाओं का फायदा कम मिल पाया है। जी 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 बिल्कुल राहुल, तो इस बार की अंबेडकर नगर की जनता का जो है वो रोड और योजनाओं का फायदा मिले, बिल्कुल आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। आप वहाँ के मतदान केंद्रों पर अपनी नजर बनाए रखिए, क्योंकि कल सुबह 7 बजे से चुनाव है। हमारे संवाददाता राहुल अंबेडकर नगर से हमारे साथ जुड़े थे, और अंबेडकर नगर में रोडों का मुद्दा अहम बताया जा रहा है। हालांकि अगर बात करें रोड और सड़कों को लेकर, तो रोड और सड़कों को लेकर पिछले 5 चरण में कई जगह मतदान का बहिष्कार भी किया जा चुका है। तो अब देखना होगा कि अंबेडकर नगर की जनता क्या फैसला लेती है, किसको अपना प्रतिनिधि चुनती है। अगर वही बात अंबेडकर नगर की महिलाओं का करें, और महिलाओं का बात करना इसलिए भी अहम है क्योंकि महिलाएं अब शांत वोटर के रूप में सामने आती हैं, वो चुपचाप जाती हैं, वोट देती हैं और सरकार बनने में अपना अहम फैसला लेती हैं। चाहे बात 2019 की हो, चाहे बात 2017 की हो, 2019 में भी महिलाएं शांत वोटर के रूप में सामने आई थी और भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। तो देखना यह होगा कि उत्तराखंड, तो वही हमारे संवाददाता कुशीनगर से ज्ञानेश्वर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ चुनावी तैयारियां हैं कुशीनगर में? वो जोर शोर से चल रही है इस समय जी ज्ञानेश्वर, क्या कुछ मुद्दा है कुशीनगर की जनता का, किस मुद्दे पर कुशीनगर की जनता वोट देगी? जी कुशीनगर में जो मुद्दा है सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के लोगों की मुद्दाएं हैं, और लोग इसी मुद्दे को लेकर के अपना वोट करेंगे। जी ज्ञानेश्वर, कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में है कुशीनगर से? जी कुशीनगर से कांग्रेस के उम्मीदवार और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो इस समय यहाँ से उम्मीदवार है, तमकोही राज विधानसभा से। जी जी, इस बार जनता किन मुद्दों पर वोट देगी कुशीनगर की ज्ञानेश्वर, क्या कुछ विकास चाहिए कुशीनगर की जनता को? जी यहाँ कुशीनगर की जनता सड़क सुरक्षा स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पे जनता का जो रुझान देखने को मिल रहा है, जनता से जो बात करने पे वो मिल रहा है, वो जनता सड़क सुरक्षा स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ और अब विकास को लेकर के वोट करेगी। जी कौन कौन से प्रत्याशी मजबूत दिख रहे हैं, किनकी जनसभाओं का असर जनता पर देखने को मिल रहा है? जी यहाँ पर जो भी प्रत्याशी हैं सपा और बीजेपी में सपा और कांग्रेस की त्रिकोणी लड़ाई यहाँ पर देखने को मिल रही है कुशीनगर के सातों विधानसभा सीटों से इस समय, लेकिन सबसे ज्यादा मैं बता दूंगा आपको बीजेपी और सपा दोनों की वो चल रही है। कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर जनता कितना वोट देगी? कुशीनगर में जो एक बड़ा एक प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है एयरपोर्ट, उसको कितना जनता दिमाग में रखकर इस बार मतदान केंद्र पर जाएगी, क्योंकि एक बड़ा विकास है और एक ये बड़ा बात किया जाए एक बड़ा प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी द्वारा गोरखपुर की जनता को दिया गया और कुशीनगर में यह बन रहा है, तो इस बार कुशीनगर की जनता एयरपोर्ट के मुद्दे को कितना दिमाग में रखेगी और वहाँ मतदान केंद्रों पर कल सुबह पहुंचेगी? कहीं न कहीं मैं आपको बता दूं, ये एक विकास में अहम रोड़ा पहले माना जाता था, लेकिन बीजेपी की सरकार जब आई और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों के द्वारा इस एयरपोर्ट को उद्घाटन किया गया और यहाँ से उड़ान जारी हुआ, इसको लेकर के लोगों के दिलों में कहीं न कहीं इसका जगह बना लिया गया है और लोग काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं, इस मुद्दे को भी देख के लोग वोट करेंगे, क्योंकि ज्ञानेश्वर एयरपोर्ट बनने से वहाँ पे रोजगार भी बढ़ेगा, ट्रैवल में भी लोगों को काफी वहाँ पे काम मिलेगा, आसपास दुकानें भी, हॉस्पिटल, सारी फैसिलिटी, तो रोजगार भी मिला है कुशीनगर की जनता को अगर बात किया जाए, तो इससे जनता कितनी खुश है? जी कहीं ना कहीं यहाँ पर इसका बहुत बड़ा फायदा देखने को मिल रहा है और लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं इस एयरपोर्ट को खुल जाने से, यहाँ पर उद्घाटन हो जाने से और फ्लाइट हो जाने से लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं और इसका बीजेपी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा दिख रहा है। जी ज्ञानेश्वर बिल्कुल, कल चुनाव है और आप अपना नजर मतदान केंद्रों पर बनाए रखिए और जनता का मत जानते रहिए कि किन मुद्दों के साथ कल वो मतदान केंद्रों पर जुड़ेगी। हमारे संवाददाता कुशीनगर से ज्ञानेश्वर हमारे साथ जुड़े थे, और कुशीनगर भी
अगर देखा जाए तो विकास के मायनों में है, मैं क्योंकि एयरपोर्ट की सौगात भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई है गोरखपुर की जनता को, और एयरपोर्ट कुशीनगर में बनाया गया है, और एयरपोर्ट बनने से विकास और रोजगार भी बढ़ा है, वहाँ पर लोगों को रोजगार के कई मौके मिलेंगे वहाँ पर। तो भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो गोरखपुर में अहम है। एम्स की बात किया जाए तो लगातार दावे किए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि एम्स तेजी से बना है उनकी सरकार आने के बाद वहाँ पर, वहीं कुशीनगर एयरपोर्ट हो गया। तो देखना क्या होगा कि विकास जितना किया है भारतीय जनता पार्टी ने और विकास के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार जनता वोट देगी या फिर समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, वहीं अन्य क्षेत्रीय छोटे छोटे दल भी काफी एक्टिव हैं और गोरखपुर को अपना निशाना बनाए हुए हैं। चाहे चंद्रशेखर की बात किया जाए या फिर अन्य प्रत्याशियों की, सभी को गोरखपुर की सीट भी साधनी है और कई ऐसे अहम सीट भी पूर्वांचल में है जिसको साधने के लिए दिग्गज खुद चुनावी मैदान में है। और इस बार अलग अलग जगहों से, अलग अलग विधानसभाओं से मुद्दे अलग अलग है। विकास, रोजगार, योजनाएं, कहीं विकास हुआ है, लाभ भी हुआ है, लेकिन योजनाएं नहीं मिली हैं। तो इस बार छठा चरण भी काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा और 10 मार्च को यह पता चलेगा कि जनता किसको अपना नेता चुनेगी, किसकी किस्मत का फैसला जनता ने क्या किया है। हम सारी खबरों के साथ आपके साथ बने हुए हैं, चुनाव की हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखते रहिए प्राइम टीम। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच, साहस, सरोकार।